दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगा रायपुर का प्रसिद्ध महामाया मंदिर, जो रायपुर में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। तो यहाँ जो है आप श्रृंगार सामग्री खरीद सकते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ महामाया मंदिर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ आपको सजा हुआ देखने को मिलेगा। अभी कोई भी त्यौहार नहीं है, लेकिन माता रानी का जो दरबार है रोज ही सस्ता रहता है। तो आप देख सकते हैं महामाया को। तो महामाया जो है आपको मेन गेट से आपको पूरी दिखाई नहीं देगी, इसके पीछे का एक राज है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है माँ महामाया मेन द्वार से हमें पूरी दिखाई क्यों नहीं देती? तो इसके पीछे का इतिहास के बारे में जानते हैं। तो ये जो है बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो मोरध्वज राजा जो है रायपुर में भ्रमण करने आए थे। रात होने के बाद उनकी सोने की व्यवस्था की गई, रानी के साथ आए थे। और उसके दूसरे दिन बाद रानी जो है स्नान करने के लिए जो है महादेव घाट के पास आई, और वहाँ जो है एक शिला उनको दिखाई दी, वहाँ बहुत सारे सांप थे। तो वो जैसे ही देखी वो तुरंत राजा के पास गई। राजा फिर से वहाँ आए और राजा ने देखा, और राजा ने देखने के बाद वो अपने जो है पुरोहित थे उनको लेके आए। उनके बाद उन्हें पता चला कि ये उनकी कुल देवी है, इनकी उन्हें स्थापना करनी होगी। तो स्थापना से पहले माता रानी ने कहा, जो महामाया है उन्होंने कहा कि मुझे जहाँ पास रखोगे वहाँ मैं स्थापित हो जाऊँगी। तो जो महामाया है उनको लेके राजा पूरा आने ही वाले थे, और वो गलती से दूसरी जगह जो है माता रानी को स्थापित कर दिए। उसके बाद उसे उठाने की कोशिश की गई, और वो जो है माता रानी की जो मूर्ति है वहाँ से नहीं हिली, और वहाँ से जो है माता रानी हमें जो है मेन द्वार से ऐसे ही दिखाई देती है, पूरी दिखाई नहीं देती। यही माता रानी का इतिहास है। दोस्तों COVID-19 के कारण यहाँ परिक्रमा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, लेकिन मैं आपको परिक्रमा करने के रास्ते को दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ऊपर आप देख सकते हैं ये ज्योति कक्ष है, और नवरात्रि में बहुत सारे ज्योति यहाँ जलाए जाते हैं। ये मनोरथ नारियल है, जो भी अपनी मनोकामना है उसके लिए यहाँ नारियल बांधे जाते हैं। ये प्राचीन बावली है, तो यहाँ जितने भी ज्योत जलते हैं उन्हें यहाँ जो है विसर्जित किया जाता है इसी बावली में। तो इस मंदिर में तीन देवियों का संगम है। सबसे पहले तो माँ काली के रूप में महामाया है, गुम्मत के रूप में माँ लक्ष्मी है, सरस्वती के रूप में माँ समलेश्वरी है। तो आप देख सकते हैं आप दर्शन कर रहे हैं भैरव बाबा का। अब देख सकते हैं यहाँ से जो है रात को बहुत ही ज़्यादा नज़ारा अच्छा दिखाई देता है। नवरात्रि में चारों तरफ आपको लाइटें ही लाइटें दिखाई देती है। अब हम आ चुके हैं माता समलेश्वरी के पास। तो आप माता रानी का दर्शन कीजिए, जो कि सरस्वती माँ के रूप में समलेश्वरी माता विराजमान है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।